भू माफिया गरीब व्यक्ति की जमीन पर कर रहे अवैध कब्जा। लखीमपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के महेवागंज के निवासी रामू ने पत्रकारों को बताया कि मेरी जमीन ग्राम पंचायत सेंधरी में है। मैं अपनी जमीन पर काफी समय से खेती करता चला आ रहा हूं। मेरी जमीन पुस्तैनी है। मेरी जमीन पर सेंधरी के प्रधान जबरदस्ती कब्जा करते हैं। मैं कई उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। हल्का लेखपाल से पैमाइश के लिए कहते हैं तो आजकल कहकर टाल देता है। आगे देखना है कि उच्च अधिकारी खबर के बाद क्या कार्यवाही करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, माशुकली। आपका रामू नाम हमारा। कहाँ रहते हो? सिंगारपुर पंचायत महेवागंज गांव। थाना कौन सा है? थाना ये सदर कोतवाली है। क्या मामला है? आप यहाँ जमीन दिखाने आए कि पट रहा हमारा खेत पट गया? ये हमारा किसी के खेत में कोई कार्यकार नहीं मट्टी डराने का। हम लोग कहा मट्टी क्यों डरा रहे हो? कहीं हम ये तालाब पटवाएंगे, मट्टी तुम्हारे खेत में नहीं जाएगा, हम उठवा लेंगे मट्टी। और हमारी मुर्दारी समझ के वो समझ गए गरीब है, हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये 25 लाख रुपया हमको मिल रहा था, हमने बेचा नहीं। हम लोग पहले परिवार में रहेंगे, सब लोग हम बेचेंगे नहीं। आपका अरविंद। कहाँ रहते हो? महेवागंज। थाना कौन सा? सदर कोतवाली महेवागंज। अच्छा, क्या मामला है? आप लोग आरोप लगा रहे कि हमारा खेत पाटा जा रहा है। हमारा खेत गेहूँ कटे थे, ठीक कट कर पड़ा था, बोया जाता लैया लगाए थे, तो मिट्टी ढीला तालाब पटा रहे थे, तो हम लोग यहाँ मिट्टी उसमें ढीले सब बराबर कर दिया, सब ताल करके, और यहाँ सहाबा था उसको सब पटवा दिए। लेकिन आपका खेत क्या पुस्तैनी था? हाँ, पुस्तैनी के है। क्या घाटा संख्या उसका है? क्या घाटा संख्या है? 323 है। 323 है, उसको पटवा दिया है। आप लोग कहीं शिकायत करने गए हैं? शिकायत कहाँ? शिकायत किया डीएम साहब को, किया ना एसपी साहब को। अच्छा, बताए क्या बता रहे प्रधान जी के घर पर? प्रधान जी पर हम घर पर गए ना, हम लोग जितने हिस्सेदार हम कह, हमको खेत नपवा देंगे तुमको 20 तारीख तक, क्यों परेशान हो? और आज तक सब टाठे डाठा पड़ा रहे, ना हमारा खेत नपा, ना हमारी फसल बहुत टाइम है। किस किस अधिकारी से आपने शिकायत की? हम लेखपाल साहब, हमको बुलवाया लेखपाल साहब, कह रहे कि हम तुम्हारा खेत सोमवार को नपवा देंगे। सोमवार होएगा, इतवार को बताए, इतवार सोमवार दोनों दिन नहीं आए। अप्लीकेशन किस अधिकारी को दी थी? डीएम साहब को दिया हम। डीएम साहब को दी थी? हाँ। फिर तहसील किसने बुलाया था? आपने अभी कह रहे थे एसडीएम साहब ने बुलाया था हमको। ना एसडीएम साहब नहीं बुलाए थे, बताएं कि डीएम साहब के पास जाएगी, डीएम साहब बताएं कि हम उनके पास भेज देंगे। या कोतवाली है, हम लोगों से वेरीफाई किया कि आप लोगों ने शिकायत किया, हम कहना हाँ, वो फिर लिख कर दे दिया। तो लेखपाल साहब हमको बुलवाया, लेखपाल साहब कहने हमसे क्यों नहीं बताया तुम आगे पहुंच गए? तो हम कहना हम आगे पहुंच गए, हमका जब मालूम नहीं। अच्छा, ये कौन कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? एक सहीधरी के प्रधान जी हैं। प्रधान जी, ये सहीधरी में लगता है क्या? हाँ, ये सहीधरी में हमारा खेत है, आखिरी सहीधरी में खेत है। तो कितने दिन से ये पटाई हो रही है? ये पटाई हो रही है अप्रैल से।